दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियली जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो चुका है और अब भारत में राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई है, वही यूनियन टेरिटरी की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का पद अब उपराज्यपाल हो गया है और वहीं पर जम्मू कश्मीर का संविधान, जम्मू कश्मीर का झंडा और बाकी सारे कानून ये सब समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे और उसके हर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें तो 1947 से पहले जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जिसके राजा का नाम महाराजा हरि सिंह था। 1947 में जब इंडिया का विभाजन हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान बना, तो उस समय सभी प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दिया गया कि या तो आप इंडिया में ज्वाइन करो, या तो पाकिस्तान में ज्वाइन करो, या न्यूट्रल रहो। राजा हरि सिंह न्यूट्रल रहना चाहते थे। इधर ये सारी बातें चली रही थी कि ट्राइबल के वेश में पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और लूटपाट मचाते हुए वे श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। जब राजा हरि सिंह ने ये बातें सुनी तो उसने भारत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन भारत ने ये शर्त रखी कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक भारत मदद नहीं भेजेगा। और फाइनली यही हुआ। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया और उसके अगले दिन यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी ने श्रीनगर पर लैंड किया और उसके बाद पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना चालू कर दिया। इधर ये लड़ाई चली रही थी कि बीच में जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन ले जाना बेहतर समझा और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने हस्तक्षेप किया और दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया। सीज फायर यानी कि जहां पर खड़े हैं वहीं पर। और उसके बाद इसे LOC का नाम दिया गया यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। और 1972 के बाद ये डिसाइड किया गया कि यही जब तक ये मुद्दा सुलझ नहीं जाता यही इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर रहेगा। दोस्तों पाकिस्तान का कहना है कि चूंकि भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ है इसलिए जम्मू कश्मीर में मेजोरिटी मुस्लिम की है तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, जबकि इंडिया का स्टैंड है कि चूंकि भारत एक सेक्युलर स्टेट है तो यहाँ पर किसी भी धर्म की स्टेट आ जाए क्या फर्क पड़ता है। और सही बात है, अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र था तब पाकिस्तान क्लेम कर सकता था, पर भारत एक सेक्युलर स्टेट है तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग आराम से बन सकता है और जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। और राजा हरि सिंह ने, सबसे बड़ी बात कि राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था। और उधर हमारे संविधान निर्माताओं ने जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया, आर्टिकल 370, जो कि एक टेम्पोररी प्रोविजन था जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन के बाद डिजॉल्व कर दिया गया। और वहीं हमारी संसद ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पास कर जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया। दोस्तों जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी की बात करें तो जम्मू कश्मीर पर 3 देशों का कब्जा है, भारत, पाकिस्तान और चीन। भारत जम्मू कश्मीर के 45% हिस्से पर शासन करता है, वहीं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के 35% हिस्से पर शासन करता है, वहीं चाइना जम्मू कश्मीर के 20% हिस्से पर शासन करता है। अब एक एक करके तीनों देशों के एरिया को समझते हैं। तो अक्साई चीन जिस पर चाइना राज करता है वो चाइना ने भारत से 1962 के युद्ध के दौरान कब्जा किया था। और वहीं जो ऊपर आप सक्षम वैली देख रहे हैं ये पाकिस्तान ने चाइना को 1962 में गिफ्ट कर दिया था और उसके बाद से ही पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन अच्छे होने लगे थे। वहीं POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, गिलगित बाल्टिस्तान जो कि जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में स्थित है और आजाद कश्मीर जो कि जम्मू कश्मीर के वेस्ट में स्थित है। और इसी एरिया में आजाद कश्मीर का एक राजधानी है मुजफ्फराबाद। अब भारत के क्षेत्र की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग यूनियन टेरिटरी हैं और ऊपर आप एक सियाचिन ग्लेशियर देख रहे होंगे तो इस पर भारत का कब्जा है जहां से भारत, पाकिस्तान और चाइना दोनों पर नजर रखता है। वैसे तो सारा जम्मू कश्मीर हमारा है और हम जब भी इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करेंगे तो अफगानिस्तान को भी साथ में लाएंगे, बट अभी हम उस क्षेत्र की बात करेंगे जहां पर भारत शासन करता है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों क्षेत्रों को मिलाकर टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट है और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 1.25 करोड़ है और जम्मू कश्मीर भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है।
2011 के सेंसस के अनुसार जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की संख्या 68.31% है, वहीं हिंदुओं की संख्या 28.45% है। जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू और कश्मीरी है, जिसमें कश्मीरी 53.25% लोग बोलती हैं, वहीं हिंदी 20% लोग बोलते हैं। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हिमालय की पहाड़ियों से घिरा है, जिसमें काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। जम्मू कश्मीर में मेजर रिवर है इंदर, चेनाब, झेलम, सियोग, डोडा, एटीसी। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, श्रीनगर गर्मियों के लिए जो कि झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, और जम्मू ठंड के लिए जो कि तावी नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है, वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम राधाकृष्ण माथुर है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों की संख्या 83 है, जो कि बढ़कर 90 हो सकती है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या 6 है। जम्मू कश्मीर का एक विधानसभा है सेम दिल्ली की तरह, जिसका एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन 3 क्षेत्र पर सेंटर का कंट्रोल होगा। वो क्षेत्र है लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, पुलिस। जम्मू कश्मीर में एक हाईकोर्ट है जिसकी चीफ जस्टिस का नाम है गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी मोस्टली एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर में यहाँ फलों की खेती ज्यादा होती है। कुछ महत्वपूर्ण फल है एप्पल, चेरी, पियर, प्लम्स, आलमंड्स, एटीसी। वहीं टूरिज्म में माता वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा, डल लेक आदि से लोग पैसा कमाते हैं। जम्मू कश्मीर की फूड की बात की जाए तो प्रमुख फूड है चाट, कुलचा, राजमा, मीट, दम आलू, सीख कबाब, इटीसी। कश्मीर के लोग चावल और मटन ज्यादा पसंद करते हैं। टूरिज्म की दृष्टि से जम्मू कश्मीर बेस्ट है। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, और यहाँ की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है माँ वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा, डल झील जो कि श्रीनगर में है, और यहाँ आपको इंडिया का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी मिल जाएगा। उसके बाद हेमिश नेशनल पार्क जो कि स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है, फिर गुलमार्ग जहाँ स्कीइंग कर सकते हैं, और लेह जिसको आपने फिल्मों में भी देखा होगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, और मुकुट को सहेज कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सभी इस देश के बराबर के नागरिक हैं, और आशा करते हैं कि जम्मू कश्मीर भी अब नॉर्मल होगा और हमारे साथ आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।